हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। किसका लिखा हुआ है? लिखा हुआ है शेक्सपियर का। ऑलराइट, तो जब हमने बात करी थी शेक्सपियर की कि शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं हम उनको फोर अलग अलग कैटेगरीज में डाल देते हैं। एक पीरियड आता है जब वो अपनी कुछ एक्सपेरिमेंटल राइटिंग लिख रहे थे, जब वो सिर्फ स्टार्टिंग करी थी उन्होंने। थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने कुछ नई चीज़ें सीखी, इम्प्रूवमेंट करा। उसके बाद उन्होंने कॉमेडीज़ लिखी, ट्रेजेडीज़ लिखी, क्रॉनिकल्स लिखे, और लास्ट में भी उन्होंने कुछ वर्क्स लिखे। लेकिन मेन पार्ट हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए फिलहाल आज की क्लास में हम फर्स्ट पार्ट से कर रहे हैं, क्योंकि हम वन बाय वन करेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे है तो ये एक कॉमेडी, अगर मैं बात करूँ इसकी जॉनरा की, तो ये एक कॉमेडी है जिसे शेक्सपियर ने लिखा है, लेकिन ये कभी भी फेमस नहीं हुई। फेमस ना होने का रीज़न आपको मैंने बता दिया कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखी गई थी, जब शेक्सपियर जो थे इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, या फिर उनकी जो राइटिंग थी इतनी फाइन नहीं हुई थी, इतनी मॉडिफाइड नहीं हुई थी, तब इन्होंने ये लिखा था। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना को क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका मेन मोटिव क्या है। आपका मेन मोटिव पेपर है, लेकिन पेपर के बाद आप कहीं पे जाके पढ़ाओगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको अगर आपसे कोई बच्चा पूछ लेना तो आपके पास उसका आंसर हो। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे खड़े हो गए एकदम से, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। इसीलिए चीज़ों को स्टार्टिंग से ही अच्छे से लेके चलते हैं, अच्छे से पढ़ के चलते हैं। तो हमने बात की टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की कि ये शेक्सपियर का स्टार्टिंग का पीरियड का टाइम था, जैसे कि आपने देखा है ये रहा 1589 का। हमने बात करी थी जो फर्स्ट पीरियड इनका आता है 1588 का, स्टार्टिंग का था इनका फर्स्ट पीरियड जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे आती है। वेरोना की बात करी गई है, वेरोना कहाँ पे है? ये इटली में है, इटली का एक शहर है ये वेरोना। और आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के इनकी वर्क्स हैं वेरोना में ही सेटिंग रखी गई है। अगर आपने पढ़ी है रोमियो एंड जूलियट, तो उसकी भी सेटिंग कहीं ना कहीं इटली में रखी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेटिंग किस तरीके से इनके वर्क्स को इन्फ्लुएंस कर रही थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई कि इटली की सेटिंग है, या फिर जो इनके स्टार्टिंग टाइम पीरियड पे लिखी गई थी। है ये कॉमेडी, लेकिन फिर भी ये कभी फेमस नहीं हुई, सबसे लीस्ट फेमस में इसको माना जाता है। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये एक पहला प्ले था जिसमें जो हीरोइन है वो ड्रेस होती है एज अ बॉय। एज अ बॉय अगर हम बात करें कि जो स्टार्टिंग का पीरियड था, क्योंकि धीरे धीरे जब चीज़ें चेंज हो रही थी, थिएटर भी डेवलप हो रहे, तो धीरे धीरे हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे जो विमेन के कैरेक्टर थे उनको विमेन ने ही पोर्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, प्ले करना शुरू कर दिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब हम बात करते हैं एलिजाबेथन थिएटर की, एलिजाबेथन एज एरा की, एज की, तब हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेल कैरेक्टर होते थे, मेल जो एक्ट्रेस होते थे, वही फीमेल का जो रोल होता था, विमेन का जो रोल होता था, उसे प्ले करते थे। वो डिस्गाइज होते थे एज अ विमेन और वो उसको प्ले करते थे। तो ये पहला ऐसा प्ले है जिसमें एक जो हीरोइन है वो एक बॉय के रूप में आती है, या फिर वो अपने आप को डिस्गाइज करती है एज अ मेल। तो अब आप ये देखो कि पहले, क्योंकि वो जो हीरोइन है उसका कैरेक्टर कोई ना कोई एक मेल ही पोर्ट्रेट कर रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे मेल करते थे, वेमेन जो थी, फीमेल जो थी, वो ऐसे वर्क्स नहीं करती थी, एक्टिंग नहीं करती थी। मतलब कि ये जो हीरोइन है ये ऑलरेडी एक मेल है, राइट? ये ऑलरेडी एक मेल था जिसने हीरोइन का रोल प्ले किया। अब ये मेल जो है वो फीमेल था, लेकिन ये फीमेल इस प्ले के अंदर, इस कॉमेडी के अंदर फिर से एक बार मेल का, मेल की तरह अपने आप को डिस्गाइज करेगी, और वो अपने आप को डिस्गाइज करके अपना एक नया नाम रख लेगी, जिसको हम खैर अभी पढ़ेंगे, उसको यहाँ पे लिखना ज़्यादा वो नहीं रहेगा। वो अपना एक नाम नया निकालेगी जिसे हम बोलते हैं सेबेस्टियन, कि वो सेबेस्टियन नाम से आगे जाके फेमस होती है, या फिर उस किस तरीके से जाके सेबेस्टियन बन के वो अपने लवर को ढूंढ रही है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है कि मेल उस टाइम पे फीमेल कैरेक्टर का रोल प्ले करते थे। ओके, अगर अब हम बात करें इसमें कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो भी कैरेक्टर हैं ये सिर्फ मेन कैरेक्टर हैं। आपको ध्यान रखने हैं कैरेक्टर्स के नेम, क्योंकि पेपर में आपके कैरेक्टर के नेम आते हैं। एक बार आपका क्वेश्चन आया हुआ था, यही क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें जो पहली बार जो हीरोइन है वो अपने आप को डिस्गाइज करती है एज अ बॉय। और उसका आंसर आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना पहला ऐसा प्ले है जिसमें जो हीरोइन है वो एज अ बॉय डिस्गाइज होती है। अगर आप शेक्सपियर के वर्क पढ़ रहे हो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इन्होंने ये टेक्निक अपने बहुत सारे वर्क्स में यूज़ करी है। तो जैसे कि इन्होंने ट्वेल्थ नाइट है, उसमें भी इन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया है कि कैसे मेल है वो फीमेल बन रहा है, फीमेल जो कैरेक्टर है वो मेल की तरह डिस्गाइज हो रहे हैं। अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो एक प्रोटियस है। प्रोटियस कौन है? ये जो हमने अगर बात करी ना जेंटलमैन की, कि दो जेंटलमैन हैं, अब आप सोचो कि दो जेंटलमैन आखिर है कौन? तो एक उनमें से एक जेंटलमैन जो है वो है प्रोटियस, और दूसरा जेंटलमैन जो है वेरोना का वो है वैलेंटाइन। तो ये सेकेंड है।
तो इन दोनों के ऊपर ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो बेस हो रखी है। ये दोनों बंदे जो है ना, ये दोनों फ्रेंड है। मैं यहाँ पे बनाती चलती हूँ, सिर्फ मैं अल्फ़ाबेट से बनाती चलूँगी, आप ध्यान रखना कि जिसका अल्फ़ाबेट है आप उसको देखते चलो। ओके तो एक है वैलेंटाइन, वैलेंटाइन इसी का एक फ्रेंड है, फ्रेंड के लिए मैंने ये सिंबल यूज़ कर लिया है प्रोटियस, तो उसका एक फ्रेंड है प्रोटियस। सेटिंग रखी गई है वेरोना में, मैंने आपको बता दिया है, तो ये वेरोना की ही एक स्ट्रीट में मिल रहे हैं। और मिले क्यों हैं, मिलने का एक रीज़न भी तो होना चाहिए ना, तो ये मिले इसलिए हैं क्योंकि आज जो है वो वैलेंटाइन वेरोना को छोड़ रहा है। ये अपने दोस्त से बोलता है मेरे साथ चलने के लिए, मतलब उसके साथ चलने के लिए, लेकिन इसका जो दोस्त प्रोटियस है वो मना कर देता है। तो जो वैलेंटाइन है वो अकेला ही कहाँ जा रहा है, वो अकेला ही जा रहा है मिलान, मिलान यस ये आई है, वो अकेला मिलान जा रहा है। अब आपको ये देखना है कि ये जो दोनों फ्रेंड है ना, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि अगर आप इस कॉमेडी की सेटिंग देखते हो तो सेटिंग में अगर आप इसका मेन थीम देखते हो तो आप देखते हो कि इसकी मेन थीम है कि जो दोनों की फ्रेंडशिप है ना ये, लेकिन ये बाद में फ्रेंडशिप जो है कैसे डिसलॉयल हो जाएगी, इनकी फ्रेंडशिप कैसे ख़राब हो जाएगी, और किस तरीके से एक इनफिडेलिटी जो आप बोलते हैं ना मैरिज में अफेयर होना, अडल्ट्री होना, अडल्ट्री का कोई क्राइम है, तो वो किस तरीके से इस प्ले में आगे अनफोल्ड होता है। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे होते हैं वैलेंटाइन, और ये इस स्ट्रीट में मिलते हैं। एक फेयरवेल है यहाँ पे, फेयरवेल दे रखा है कि टीयरफुल है, मतलब दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे इसलिए यहाँ पे एक टीयरफुल फेयरवेल है। प्रोटियस रोने लग जाता है, लेकिन फिर भी ये जो वैलेंटाइन है वो अपना मिलान चला जाता है। वो मिलान क्यों जाता है वैलेंटाइन, अब आप ये देख के चलो कि जो वैलेंटाइन है ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, आप इसको एक पॉजिटिव में लिख के चलो, और ये एक कहीं ना कहीं बीच में नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो वैलेंटाइन का ऐसा मानना है कि अगर आप जेंटलमैन हो तो आपको पूरा वर्ल्ड जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। आप अगर सिर्फ वेरोना में ही रह गए, एक ही जगह पे रह गए, तो आपका जो डेवलपमेंट है या फिर जो चीज़ें दुनिया आप देख रहे हो वो चीज़ें आप देख नहीं पाओगे कभी भी। तो इसीलिए वैलेंटाइन जाना चाहता है मिलान। अब ये तो यहाँ पर चला गया, लेकिन क्या हुआ, ये जो प्रोटियस है ये यहीं पर रह गया। आखिर इसके रहने की वजह क्यों थी भाई, इसका इतना अच्छा दोस्त है वैलेंटाइन, तो ये क्यों नहीं किया? इसके ना जाने की वजह है इसका लव अफेयर, और वो है जूलिया के साथ। ओके तो जूलिया जो है यहाँ पे देख लो, ये इसकी प्रोटियस की बिलवड है, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड, क्योंकि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो वेरोना में है इसीलिए यहाँ से नहीं गया, और उसका दोस्त यहाँ पर अकेले चला गया। अब आगे कहानी बनती है, वो तो चला जाता है। अब जो वैलेंटाइन है इसका एक ये रहा, यहाँ पे आप देखो स्पीड, इसका नाम है स्पीड। तो वैलेंटाइन का जो सर्वेंट है वो आता है और बताता है कि जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि जो प्रोटियस है ना, प्रोटियस ने स्पीड को एक लेटर दिया था कि ये लेटर जाके जूलिया को डिलीवर कर देना, तो आने के बाद स्पीड उसे वही बताते हैं कि उसने लेटर जो है वो जूलिया को डिलीवर कर दिया। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, और आप देखोगे कि जो जूलिया है, जूलिया की एक सर्वेंट है, सर्वेंट का नाम ये रहा लुकेटा। तो जूलिया की एक सर्वेंट है जिसको मैं यहाँ से सी से सिंबलाइज कर देती हूँ, तो ये इसे बताती है, जूलिया जो है ये इससे पूछती है कि मेरे लिए बेस्ट सूटर कौन है, मतलब उसका लवर कौन हो सकता है। तो लुकेटा बोलती है कि हाँ प्रोटियस सही रहेगा तुम्हारे लिए, हालांकि इसको पहले से ही पता है कि जूलिया प्रोटियस को पसंद करती है। और इसी टाइम पे जो लुकेटा है वो बता देती है उसे, एक तरीके से टॉन्ट मार देती है कि जूलिया के लिए एक लेटर आया है जो कि प्रोटियस की तरफ से। तो यहाँ पे ये साफ हो गया कि जूलिया जो चीज़ छुपा रही थी वो चीज़ें सामने हैं, लुकेटा को वो चीज़ें पता है, उसकी जो सर्वेंट उसको पता है, मेड को पता है। तो इसी एम्बेरसमेंट में जो जूलिया है उस लेटर को फाड़ देती है। अब यहाँ पे वो दिखावे में लेटर फाड़ तो देती है, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, और वो फिर से वो जो लेटर के पीसेज होते हैं उनको दोबारा से पेस्ट करती है, उन्हें किस करती है, तो उसका एक अलग ही मूवमेंट यहाँ पे चलता रहता है। अब एक पर्सन है जिसका नाम है एंटोनियो, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब एक पर्सन है जिसका नाम है एंटोनियो। अब ये एंटोनियो कौन है, एंटोनियो है प्रोटियस के फादर। अब एंटोनियो ने डिसाइड किया कि जो प्रोटियस है ये यहाँ से जाएगा मिलान, लेकिन प्रोटियस नहीं चाहते क्योंकि प्रोटियस की गर्लफ्रेंड जूलिया यहीं पे है। लेकिन इसने अपने सन को बोला है कि तुम्हें जाना है, कहाँ पे जाना है, जो ड्यूक का कोर्ट है मिलान में, मिलान एक जगह है, तो वहाँ पे जो ड्यूक है ना उसके कोर्ट में जाना है। अब आप देखो कि वैलेंटाइन ऑलरेडी इसी कोर्ट में है, तो प्रोटियस को ज़बरदस्ती यहीं पे भेजा जा रहा है। अब प्रोटियस तो जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके फादर ने बोला तो उसे जाना पड़ेगा। तो प्रोटियस और जूलिया दोनों क्या करते हैं, दोनों यहाँ पे अपनी रिंग्स एक्सचेंज कर लेते हैं।
ये दोनों आपस में रिंग्स एक्सचेंज करते हैं ये बोल के कि जो डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करता है, हम दोनों हमेशा ही एक दूसरे को पसंद करेंगे। मतलब कि जब वो लौट के आएगा तभी भी वो उसे पसंद कर रही होगी, और दोनों आपस में एक वो लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक कमिटमेंट की तरह कर लेते हैं कि अगर वो जा रहा है लेकिन वो किसी के प्यार में नहीं पड़ेगा। रिंग एक्सचेंज होती है, प्रोमिस एक्सचेंज होते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। अब ये चीज़ हो गई, अब ये आ गया यहाँ पर, अब दोनों दोस्त फिर से मिलान में मिल गए, लेकिन अब दोस्ती यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो वैलेंटाइन है जब वो यहाँ आता है तो उसे यहाँ पे एक लड़की पसंद आ जाती है। अब वो होता क्या है, उस लड़की का नाम है सिल्विया। देखो यहाँ पे सिल्विया, सिल्विया कौन है, ड्यूक की डॉटर है। यहाँ पे जो ड्यूक है ना, मैंने भी आपको बताया था कि प्रोटियस को भेजा गया है मिलान ताकि वो ड्यूक के कोर्ट में रह सके, यहाँ पे काम कर सके, तो उसी की डॉटर है सिल्विया, उसकी सबसे छोटी डॉटर है सिल्विया, और वैलेंटाइन ऑलरेडी सिल्विया के प्यार में है और सिल्विया भी उसे पसंद करती है। लास्ट में आप देखोगे कि कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। एनीवेज, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे पसंद करते हैं, लेकिन जब उसका दोस्त यहाँ पे आया, प्रोटियस यहाँ पे आया, और उसने क्या देखा कि सिल्विया सच में इतनी खूबसूरत है, और यहाँ से ये एक बार सिल्विया के प्यार में पड़ गया। अभी देखो आप इसकी कितनी ज़्यादा हिपोक्रेसी दिखा रखी है, कि एक तरफ तो ये जूलिया के साथ अपनी रिंग्स को एक्सचेंज करके आया था, प्रोमिसेस करके आया था कि मैटर डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करता, हम एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, या फिर जो भी चीज़ें ब्ला ब्ला ये करके आया था, और यहाँ आकर ये जूलिया के प्यार में पड़ जाते हैं। अब ये देखता है कि वैलेंटाइन भी उसे पसंद करता है, तो ये क्या करता है, अपने दोस्त को कहीं ना कहीं बिट्रे करने की कोशिश कर रहा है, और ये करेगा। अभी आप देखोगे ये सच में अपने दोस्त को बिट्रे करेगा, धोखा दे देगा। तो अब जो ये जो सिल्विया है ना, इसके जो फादर ड्यूक हैं, ड्यूक चाहते हैं कि सिल्विया की शादी एक बेहुदे इंसान से हो जाए। वो बेहुदा कैसा है कि वो कुछ करता धरता नहीं है, वो किसी काम का भी नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास पैसा बहुत है। तो ड्यूक चाहते हैं कि सिल्विया की शादी उससे करवा दी जाए, किसी को भी रख लीजिए यहाँ पे, वैसे आप इसका नाम कुछ ऐसा है, थोरियो कुछ ऐसा नाम है उसका, पर फिर भी कोई भी नाम आप एक रख लीजिए, लेकिन सिल्विया चाहती नहीं है। तो वैलेंटाइन जो है, तो जो वैलेंटाइन है ये, वन सेकेंड लेट मी जस्ट चेंज द कलर, यस, तो जो वैलेंटाइन है और जो सिल्विया है, ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं, एक प्लान बनाते हैं इलोपमेंट का। इलोपमेंट मतलब भाग जाना, तो ये दोनों भागने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि ये दोनों भाग जाएंगे। अब ये चीज़ तो ठीक है कि ये दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि इस प्लान की खबर किसे है, प्रोटियस को है। प्रोटियस को ये पता चल गया कि जो वैलेंटाइन है और जो सिल्विया है वो भागने वाले हैं, और ड्यूक का फेवर पाने के लिए प्रोटियस क्या करता है, अपने फ्रेंड को बिट्रेट कर देता है, स्टैप कर देता है। वो बताता है जाकर ड्यूक को कि ये दोनों तो भागने वाले हैं, वैलेंटाइन और आपके डॉटर तो भागने वाली है, तो इसके चक्कर में क्या होता है, जो मिलान के ड्यूक होते हैं वो वैलेंटाइन को तो कर देते हैं देश निकाला, उसे तो यहाँ से निकाल दिया गया कि भाई तुम यहाँ से जाओगे, तुम यहाँ नहीं रहने वाले, बैनिशमेंट उसका हो गया है। और इसका इसका फेवर क्या हुआ कि प्रोटियस को एक मौका मिल गया, क्योंकि ड्यूक की नज़रों में वो एक अच्छा इंसान बन गया, एक अच्छा पर्सन बन गया। अब इसी टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी, और चीज़ें क्या होंगी, ऐसा होगा कि जो वैलेंटाइन है ना, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके आती हूँ। अब ये जो वैलेंटाइन है, इसको निकाल तो दिया, अब ये बाहर चला जाता है क्योंकि इसको देश से निकाल दिया, मिलान से बाहर चला गया। इसको कुछ लोग मिलते हैं, और वो लोग कौन है, वो आउटलॉज हैं। आउटलॉज मतलब जो लोग, ऐसे लोग जिन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई रूल तोड़ा है, तो इसीलिए उनको निकाल दिया गया है, ड्यूक ने उनको निकाल दिया है। तो ये लोग आते हैं और वैलेंटाइन को बोलते हैं कि हमारे ना किंग बन जाओ, क्योंकि इसको भी निकाल दिया है, अब ये भी एक बैनिशमेंट की तरह बाहर रहेगा, आउटलॉ कर चुका है ये भी, तो फिर या तो तुम हमारे किंग बन जाओ अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे। तो वैलेंटाइन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इनका किंग बन जाते हैं कि ठीक है बन जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी टाइम पे क्या होता है कि जो सिल्विया है और जो जूलिया है, अब यहाँ पे ये लड़की, ठीक है, ये जो इसका लव इंटरेस्ट थी और ये है, इन दोनों की बात होगी। क्यों? क्योंकि जो जूलिया है अब ये क्या सोच रही है, क्योंकि इसको जाए तो टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम से पहले जा चुका है, तो जूलिया डिसाइड करती है कि अब वो मिलान जाएगी, अब ये भी मिलान आएगी, तो सारे मिलके एक बार फिर से मिलान आ रहे हैं। वो मिलान आएगी लेकिन वो एज अ वेमेन नहीं आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे वेमेन ट्रैवल नहीं करती थी या फिर अकेले जाती नहीं थी, तो वो यहाँ पे अपने आप को डिसगाइज कर लेती है। अब डिसगाइज करके वो क्या बन गई, उसने एक लड़के का अपना जो डिसगाइज है, अपने आप को एक लड़के की तरह ड्रेसअप कर दिया, उसका नाम था सेबेस्टियन। वो अपने आप को सेबेस्टियन नाम से अब बोल रही है, और वह यहाँ पे आती है। वो यहाँ पे आके क्या देखती है कि जो उसका लवर है, मतलब कि जो प्रोटियस है, वो किसी और लड़के के प्यार में पड़ चुका है,
और एक बार फिर से अब यहाँ पे क्या होता है, जूलिया और जो सिल्विया है दोनों मिल जाते हैं एक बार। हालांकि अभी उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करी है कि वो कौन है या नहीं है, अभी ऐसा नहीं होगा, थोड़ा आगे चल के फिर चीज़ें होंगी। अब इसको तो देश निकाला कर दिया, वैलेंटाइन को निकाल दिया गया है, सिल्विया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिल्विया क्या करती है, महल से चली जाती है। किसके साथ? एक पर्सन है उसके साथ, उसका नाम है एग्लमोर। अब ये एग्लमोर के पास चली तो जाती है, सर एग्लमोर के साथ, ये एक नाइट है उनके कोर्ट का, तो इसके साथ ही चली जाती है। लेकिन जाने का फ़ायदा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब ये जा रहे होते हैं इनको कुछ लोग अटैक करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये बंदा तो भाग जाता है, ये तो भाग गया अपनी जान बचा के, और सिल्विया को वहीं पे छोड़ देता है, क्योंकि ये इतना डरपोक टाइप का था कि इसने इसको वहीं पे छोड़ दिया और ये खुद भाग गया। अब इस टाइम पे बचाने के लिए आता है इसको प्रोटियस, और प्रोटियस यहाँ पे आके सिल्विया को कन्फेस कर देता है कि भैया देखो मैं तुमसे प्यार व्यार करता हूँ। लेकिन ये इस तरीके का इंसान था जैसे कि हम मूवीज़ में देखते ना, कुछ साइको टाइप के, कुछ सनकी टाइप के, इस तरीके का इंसान यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये क्या करता है, उसको बोलता है, और जब सिल्विया उसका रिस्पॉन्स नहीं देती है कि नहीं वो उसे नहीं पसंद करती है, ही ट्राइज टू रेप हर, वो उसको फिजिकली अब्यूज़ करने की कोशिश करता है या फिर रेप करने की कोशिश करता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उसको बचा लेते हैं, कौन बचाते हैं, तो ड्यूक यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जूलिया आ जाती है, तो सिल्विया यहाँ पे बच जाती है। अब इसी टाइम पे क्या हो रहा है कि वैलेंटाइन भी वहीं पे है, क्योंकि जिन लोगों ने इन पे अटैक किया था ना वो ये आउटलॉज थे, ये ग्रुप था जिन्होंने यहाँ पे इन पे अटैक किया था। अब इतनी कहानी आगे बढ़ती है, और यहाँ पे जो जूलिया है वो देख लेती है कि उसका जो लवर है वो उसकी हरकतें क्या हैं, वो क्या काम कर रहा है, और वैलेंटाइन भी देख लेता है उसके फ्रेंड को। तो फिर एक बार वो सोचता है कि चलो ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप के लिए वो प्रोटियस को बोलता है कि ठीक है तुम सिल्विया से शादी कर लो, मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखो कि जो वर्ड्स है ना ये ऐसे ही डिपिक्ट कर रखे हैं वर्क में कि मैं कि जो वैलेंटाइन है वो उसको दे देगा। हालांकि सिल्विया खुद भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो किसी को देने वाले या फिर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन किसी किसी को उसको ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, लेकिन यहाँ पे वो होता नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं ना, ये दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तब इन दोनों की कन्वर्सेशन को सुन के जो जूलिया है वो बेहोश हो जाती है, फेंट हो जाती है। और यहाँ पे क्योंकि अब ये फेंट हो गई है तो ऐसा तो नहीं है कि ये प्रिटेंड कर सकती है बेहोशी में भी, तो वो सेबेस्टियन ना रह के वो जूलिया ही बन जाती है, क्योंकि वो फेंट होकर जब गिरती है तो उसका जो डिस्गाइज है वो हट जाता है और प्रोटियस उसे पहचान लेता है। अब ये बंदा इतना फ्लिपर था कि वो ये बोलता है कि नहीं वो सिल्विया से प्यार नहीं करता है, जूलिया को देख के उसका जो प्यारा उसका जो प्यार था, जन्मों का प्यार था, वो फिर से जाग जाता है, और वो बोलता है कि वो जूलिया से शादी करेगा, वो जूलिया से ही प्यार करता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे जो मिलान के ड्यूक हैं वो आते हैं और वो देखते हैं कि प्रोटियस तो निकम्मा निकला, क्योंकि उसने उसकी डॉटर को मोलेस्ट करने की कोशिश करी है, तो इसका तो पता यहाँ पे साफ हो गया है। अब क्या होता है कि जो वैलेंटाइन है, क्योंकि वैलेंटाइन एक अच्छा पर्सन था, उसकी जो ने उसका जो नेचर था वो अच्छा था, उसने सिल्विया को भी प्रोटेक्ट किया जब उस पर अटैक हुआ, तो यहाँ पे जो ड्यूक है वो वैलेंटाइन को बोलते हैं कि ठीक है वो उनकी डॉटर से शादी कर सकता है, मतलब सिल्विया से शादी कर सकता है। तो जो वैलेंटाइन है वो बोलता है कि ठीक है हम मेरी शादी, मतलब कि वैलेंटाइन की और सिल्विया की शादी जिस दिन होगी उसी दिन यहाँ पे वो बात करता है प्रोटियस की और जूलिया की शादी की। हालांकि जूलिया से शादी क्यों करी वो तो मेरे को नहीं पता, पर फिर भी इन दोनों की शादी एक ही दिन यहाँ पे फिक्स होती है। इन आउटलॉज को माफ़ कर दिया जाता है, ड्यूक उन्हें माफ़ कर देते हैं, और यहीं पे जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्टोरी कैसे शुरू हुई थी और कैसे ख़त्म हुई आप देख रहे हो, इतना बिट्रेयल के बाद भी उसका लव अफेयर भी ख़त्म हो जाता है, वो किसी और को पसंद करता है बट स्टिल वो फिर से शादी करेंगे, साथ में शादी करेंगे, उन दोनों की फ्रेंडशिप देख लो, वो उसे बिट्रेट करता है, फिर भी लास्ट में वैलेंटाइन उसे बोलता है कि ठीक है मैं गिव अप कर दूंगा सिल्विया से, तुम शादी कर लेना। तो वो चीज़ें इसमें डिपिक्ट कर रखी हैं। तो आई रियली होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बहुत सारा खिचड़ पिचड़ मैंने कर दिया है, लेकिन क्योंकि समझाते टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे अगर मैं ना लिखूँ तो पता नहीं चलेगा, और बिना एरोज़ के ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखने में सही सलामत लगे। ऑल राइट, तो ये बस ये इतना ही था, तो मैं मिलूँगी आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, नोट्स बनाते रहना, और ज़्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस कैरेक्टर के नेम और एक छोटा सा मेन मेन प्लॉट याद रखना, एंड या थैंक यू यहाँ पे देखने के लिए। और हाँ जो चीज़ें मैंने बोली हैं उसको ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये फर्स्ट प्ले है जहाँ पे जो वुमेन है वो एज अ मैन यहाँ पे डिस्गाइज करती है, हीरोइन अपने आप को एक लड़की की तरह पेश करती है। ऑलराइट, सो या बाय बाय।